विक्रागाय नमो विक्रागाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोए सव साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो सव पाव प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद बच्चे लोग किसने रिवाइज किसको आता है ओनली दो देव आपने रिवाइज प्रेयर आप आता है देव रिवाइज प्रेयर नहीं आता है ओके हियर जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबतों से और कुसंगों से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के मात्र की सेवा में ही करूं जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के जीवन में नैतिक विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवीय बन पाऊं। मैं आगे हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता को मान दूंगी और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। इसमें मुझे परम शक्ति देना। जय सच्चिदानंद। ओह वेरी गुड वेरी गुड। ओके देव सच्चिदानंद हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो आता है या अंतराय आते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन्हें तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दे के जिससे मेरे दर्शन ऊपर के सारे आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो ऐसी आप हमें परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। देव आप आज को रेडी है ना आपका पद? हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल के हैं सच्चे दिल भी है बच्चे दिल भी है सच्चे वेरी गुड। तो किसी ने अभी टाइम टेबल किसी ने नहीं भेजा टाइम टेबल कब भेजने वाले है सब दादा मैं आज सत्संग के बाद भेज दूंगी। ओके वो सैंपल बनाया ऐसे बनाने का है ना? हाँ। ओके वेरी गुड। दूसरे लोग कब भेजने वाले हैं? मैं भी सत्संग के बाद भेज दूंगी। मैं भी भेज दूंगी। मैं कल भेज दूंगी सुबह। वेरी गुड। ओके आज आपको स्कोर कार्ड दे दिए तीनों गोल में विधि दीदी।
हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये है, मैं मम्मी पापा और खुशी तीनों को मान दूंगी और उनके सामने जवाब नहीं दूंगी। तो आज मैंने मम्मी के साथ चार बार बात की थी, उसमें से मैं एक बार गुस्सा हो गई थी और सामने मैंने जवाब दे दिया था। पापा के साथ तीन बार बात की थी, उनको मैंने मान दिया है। और खुशी के साथ सात बार बात की थी, उसमें भी उसे मान दिया है। खुशी को हेल्प करनी थी, उसमें आज वो रिविजन कर रही थी तो मैंने उसे उसमें हेल्प की थी। और आज फिजिक्स मैं स्कूल में गई थी तब मेरे जो भी डाउट्स थे वो मैंने वहां पे क्लियर कर लिए थे। जय जय सच्चिदानंद, आज मुझे गुस्सा नहीं आया था, मैंने दीदी के सामने गुस्सा नहीं किया था और कल कहा था कि दीदी की हेल्प करनी है तो आज मैंने दीदी की हेल्प की थी बुक रखने में। और मैंने आज मैथ्स किया था 2 घंटे और सत्संग का होमवर्क भी मैंने भेजा है। रुद्र, हाँ मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं राइटिंग इम्प्रूव करूँ और फास्ट लिखूँ। तो मेरा 1 घंटे का टाइम है तो मैंने आज जो 40 मिनट लगा इसलिए 10 out of 8 और मैंने फोन 30 मिनट ही देखूँ तो आज मैंने फोन 30 मिनट ही देखा था इसलिए उसमें 10 out of 10। और मेरे को डोंट सी एनी पीपल मिस्टेक, मैंने आज किसी की भी मिस्टेक्स नहीं दिखी थी तो उसमें भी 10 out of 10। मोबाइल में क्या देखा आपने? आज मैंने वीडियोस देखे, गेम नहीं खेली बहुत। कौन सा वीडियो देखा? माइनक्राफ्ट के। क्या हुआ? माइनक्राफ्ट के। माइनक्राफ्ट। ओके। चिनाय? किसी की भी मिस्टेक्स ना देखो। पास में आके बोलो, नहीं सुनाई देता। हाँ। जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल ये था कि मैं किसी की भी मिस्टेक ना देखूं तो आज मैंने 5 people से मीट किया तो उनके साथ मैंने 2 बारी मिस्टेक की और उसका प्रतिकरण मैंने 1 बार किया था। दूसरा गोल ये था कि मैं किसी के साथ मेरी मम्मी के साथ अड़ाई ना करूं तो आज मैंने मम्मी के साथ 7 times बात की तो उनमें से मैंने 1 बार अड़ाई हो गई थी। फिर मैंने उसका प्रतिकरण भी किया, मम्मी की जाकर माफी भी मांगी। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मैं सारे दिन अपनी बहन के साथ प्यार भी करूं तो आज मैंने किया था जो उनका भी चाहता था। करिश्मा? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मम्मी की मदद की थी, नौकर की एक बार की थी, मंत्र मैंने 8 times और मम्मी की गलती देखी। हो अभी बड़ी हो गई खुशी। मैं स्टडी अच्छे से स्टडी करनी थी बट मैंने इंग्लिश में 30 मिनट की स्टडी की थी और सोशल में 1 hour स्टडी की थी और साइंस में मैंने 2 hours स्टडी की थी, में मैंने 1 hour और मैथ्स में भी 1 hour स्टडी की थी। और मेरा दूसरा गोल ये था कि मैं गुस्सा ना करूं तो मैंने आज पापा के साथ गुस्सा नहीं किया, मम्मी के साथ भी एक बार गुस्सा हो गई थी और दीदी के साथ भी मैं गुस्सा हो गई थी एक बार। और मुझे आज सुबह जल्दी उठना था तो मैं आज सुबह जल्दी उठी थी। आपको अभी स्टडी में कैसा अच्छा लगता है? जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल ये था कि मुझको मम्मी की सब बात माननी है और उसमें से मैंने 10 बार मम्मी के साथ बात किया था और 2 बार नहीं माना था। और फिर मेरा दूसरा गोल ये है कि मुझको सिंसियर रहना है दादा के ज्ञान में, स्टडीज और टाइम टेबल में, उसमें से मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर नहीं रही थी, मॉर्निंग की प्रेयर नहीं की थी। फिर मेरा तीसरा गोल ये है कि मैथ्स की मुझको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, उसमें से मैंने एक ही वर्कशीट किया था एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। टीवी का टाइम मोड है ना, फिर दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने निश्चय किया था कि मैं अड़ाई नहीं करूंगी और आज मैंने बहुत कम अड़ाई की थी, मैंने सिर्फ मम्मी के साथ मेरे एक ही बार अड़ाई हुई थी और अभाव भी मैंने निश्चय किया था तो कल से आज मैंने बहुत कम अभाव किया था, एक ही बार हुआ था। और आज मैं गुस्सा भी नहीं किया था, मैंने मम्मी के साथ 20 times बात की थी और उसमें से मैंने सिर्फ 2 times गुस्सा किया था और आज मम्मी को थोड़ा अच्छा नहीं था तो मैंने उनकी हेल्प भी की थी। आप
दो पोस्ट सूत्र भेजा और गुस्से में पढ़ा आपने? नहीं। बाद में परेश दादा को बोलने का वो एक्सप्लेन करने का। हाँ। तो किसी ने गुस्से नहीं देखा हो देख लो बच्चा। नंदी दीदी जय सच्चिदानंद। मेरा तीन गोल ये थे, उसमें से पहला कि मैं वत्सल पर गुस्सा नहीं करूंगी, पर आज मैंने वत्सल से 10 बार बात की और उसमें से 8 बार गुस्सा नहीं हुई थी, 2 बार गुस्सा हो गई थी। मम्मी ने जो दूसरा गोल ये था कि मम्मी ने जो भी बनाया हो वो मैं खा लूंगी भाव बिगाड़े बिना, तो आज मैंने खा लिया था और भाव भी नहीं बिगाड़ा था। तीसरा ये था कि मैं रिपोर्ट डेली भेजूंगी, तो आज मैंने रिपोर्ट भी भेजा था। जय सत्यान। मेरे तीन मेरा फर्स्ट गोल ये कि मैं बॉडी को हेल्दी रखूं जो मैंने आज एक्सरसाइज की, और दूसरा गोल ये कि फोन और टीवी कम देखूं, तो आज मैंने कुछ देखा ही नहीं है फोन और टीवी, और थर्ड ये कि रोज रिपोर्ट भेजूं, आज मैंने रिपोर्ट भेज दिया। वेरी गुड। पूर्व दीदी जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं दादा के ज्ञान में मैं सिंसियर होगी, उसमें आज मैंने मम्मी का अहम नहीं दुबाया था, मैंने आज 5 times बात की थी उसमें से नहीं दुबाया। और सेकंड गोल ये था कि मैं सभी की मदद करूंगी, आज मैंने सभी की मदद की थी। और थर्ड गोल ये है कि मैं किसी की गलती भी नहीं देखू, आज मैंने नहीं देखी थी। स्वप्निल भी तो कुछ नहीं दिखा गलती? नहीं, स्वप्निल तो होता ही नहीं है। ओके स्वप्निल। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल है कि मैं मम्मी के साथ अच्छे से बात करूं, आज मैंने मम्मी से 20 times बात की थी, उसमें से मैंने हर बार अच्छे से ही बात की थी, और मैं मम्मी की मदद करूं, आज मैंने मम्मी की मदद भी की थी। और आपने रिपोर्ट नहीं भेजा? नहीं भेजा। Okay. वो आज पतंग जगा रहे थे ना तो भूल गए। तो पतंग के दादा के साथ में क्या जोड़ता है? पतंग और दादा की क्या बातें कर रहे थे ना कि कल ऐसे करेंगे करेंगे, तो टाइम नहीं मिला, खाने का टाइम मिला था। हाँ। तो एक कैसे चलता है, एक कैसे चलेगा? नंदी दीदी दी। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट कॉल था कि मैं स्टडी कंसंट्रेशन के साथ करूं, तो आज मैंने 3 times स्टडी की और 3 times कंसंट्रेशन था। और फिर मेरा था मुझे स्टडी 1 घंटा एक्स्ट्रा करनी थी, तो आज मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा की। और मुझे राइटिंग इंप्रूव करनी थी, राइटिंग स्पीड, तो मैंने वो मैं अभी करूंगी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मम्मी जो दे वो मैं सब खा लूं, तो आज मैंने खा लिया था। ओके। जिया। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि पीतू के साथ मैं अच्छे से बात करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आज मैंने 9 times बात की और उसमें से 3 times गुस्सा कर दिया था। सेकंड ये था कि मैं आज फिजिक्स करूंगी, तो मैंने आज फिजिक्स 1 hour किया था। और थर्ड में 40 times नमस्कार विधि करूंगी, तो वो भी मैंने आज की थी। सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं 2 घंटे सेंशियल स्टडी करूंगी, लेकिन आज मेरा 2 घंटे सेंशियल स्टडी नहीं हुआ था। मेरा दूसरा गोल ये था कि मैं मम्मी से आर्डर नहीं करूंगी, तब मैंने मम्मी से 5 बार बातें की और उसमें से मेरी मम्मी के साथ 2 बार आर्डर हुई थी। और मेरा तीसरा गोल ये था कि मैं सुबह 6 बजे को उठूंगी, लेकिन आज मैं सुबह को 7:45 को उठी थी। दर्शना। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी, और आज मैंने सिर्फ 1 बार ही मम्मी के साथ किया था, तो उसमें से 10 में से 9। और सेकंड गोल ये था कि मैं ओबीडियंट और पोलाइट और ऑनेस्ट रहूंगी, तो आज मैं रही थी उसमें 10 out of 10। और गोल 3 ये था कि मैं मैथ
हर रोज स्टडी करूंगी, बट आज मैंने नहीं किया था, आज मैंने केमिस्ट्री 2 घंटे किया था। खुशहाल आज मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे स्टडीज करनी है बिना डिस्ट्रैक्शन के 2 आवर्स, और मेरा सेकंड गोल था कि मुझे किसी के साथ भी टेढ़ा बन नहीं करना है, और थर्ड गोल था मेरा कि मुझे रिस्पेक्ट करनी है और रिएक्ट नहीं करना है एकदम से। तो मैंने फर्स्ट गोल और सेकंड गोल तीनों फॉलो किए थे। ओह वेरी गुड, आज किसी के साथ टेढ़ा ही नहीं की? नहीं। क्या बात है। जयश्री बहन आपके साथ कौन है? मेरी बहन का लड़का है। क्या नाम है? जतन। जतन। जय सच्चिदानंद। क्या नाम है आपका? जतन। जतन, वो किधर से है आप? बरोड़ा? आनंद। आनंद, और आपका उम्र? 16 इयर्स। 15 या 16? 16, 16, 16। तो यो कितना? 11th. Okay, okay. Okay. Science के? Science. Science. Okay. आप हर रोज आ सकते हैं? A और B। जय सच्चिदानंद। साइंस A और B? A। B? A A। Okay. Okay, ये का क्या मतलब होता है? मैथमेटिक्स। और जतिन आप हर रोज आ सकते हैं? आऊंगा। ओके, तो आपका फोन भेजो हमको ये चैट में। ओके हाँ भेजता हूँ। ओके भेज। ओके दीपक दादा, रीजनेबली अच्छा है, लेकिन मम्मी के साथ वाला वो जो प्रेयर अभी थोड़ा पुश करना पड़ेगा, ताकि ये मम्मी के साथ का डीलिंग थोड़ा ढंग से हो जाए। एंड सभी का टाइम टेबल मस्ट, यू मस्ट सेंड योर टाइम टेबल, तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है, क्या मिस आउट हो रहा है। एंड आपके सब्जेक्ट कैसे स्ट्रांग है, वीक है, उसके आधार पर आपका टाइमिंग सेटिंग हो जाएगा, तो अपने आप वो सब्जेक्ट इम्प्रूव हो जाएंगे। यही सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। आपने सब सुना, अभी थोड़ा बात करो। मैं खुश हो गया, सब 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 लोग अपनी सच्ची बात बता देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे लोग सब अपनी जो भी कुछ किया उन्होंने, गलत किया तो भी बता देते हैं, और सही किया वो भी बता देते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सब अपनी गलती को छुपा लेते हैं और अच्छी बात बताते हैं, तो इतने ओपन हो जाते हैं और गलती को एकदम हार्टीली खुला कर देते हैं, तो उसके उसके जैसे बड़े कोई नहीं है। तो बच्चे लोग को तो नमस्कार करने जैसा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स वंडरफुल एंड कीप इट अप। ये दीपक भाई जो आपको बताते हैं सब अच्छी तरह करो, बहुत बड़े आप हो जाओगे, बड़े साइंटिस्ट हो जाओगे। रेड्डी दादा, वो किसका केस था, उनको बात करने का था परेशान जी को? हाँ, मुझे ये था कि मैंने मुझे गुस्सा पे करना था, तो आज मैंने गुस्से पे कंट्रोल तो किया था, इसलिए आज बहुत कम हुआ था, पर गुस्सा ही ना करूं उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा नहीं होना है उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, आप आपके हाथ में सांप पकड़ते हो, स्नेक को पकड़ते हो? नहीं। क्यों? डर लगता है। डर लगता है तो गुस्से से डर लगेगा तो गुस्सा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। गुस्सा तो स्नेक से भी ज्यादा डेंजर है। हाँ। गुस्सा किसने किससे डेंजर है? सांप से भी ज्यादा डेंजर है। हाँ, सांप कितनी बार काटेगा? एक बार। और गुस्सा कितनी बार काटेगा? बहुत बार। बहुत बार? दिन में कितनी बार काटता है कि साल में एक बार काटता है? दिन में बहुत सारी बार काट लेता है, तो वर्ष में भी बहुत सारा काटेगा। हाँ, गिन नहीं सकते उतनी बार काटता है, तो किसको रखने का? सांप बाहर है कि गुस्सा का है? दादा आपकी आवाज नहीं आई। गुस्सा कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप कहाँ रहता है?
सांप ज्यादा सांप से भी ज्यादा डेंजर है, और वो सांप छोटे छोटे होल में रहते हैं, छोटे छोटे होल में रहते हैं। और गुस्सा कहाँ रहता है? दिमाग में। दिमाग में, तो वो बाहर है, बाहर वाला डेंजर है कि अंदर वाला डेंजर है? अंदर वाला। हाँ, तो फिर वो अंदर वाले को देख के निकाल दो। हाँ। फ्रेंडशिप नहीं करने की, क्या नहीं करने की? फ्रेंडशिप। हाँ, फ्रेंडशिप करते हैं, अपने को लगते गुस्सा करेंगे ना तो सामने अपना काम हो जाएगा। हाँ। गुस्सा करने से आदमी की वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ। और शक्ति भी खलास हो जाती है, और समझने की शक्ति भी नहीं आती है। हाँ। और जब भी गुस्सा हो जाए तो ऐसा नहीं मानना है कि मैंने करेक्ट किया, मैं सच्ची हूं। दादा भगवान को बता देगा, दादा भगवान ये मेरे अंदर बहुत वीकनेस है, तो आप शक्ति दो, आपको गुस्सा कभी भी नहीं आता था, वैसा हमको भी गुस्सा नहीं आए, ऐसी कृपा करो। हाँ, हाँ ऐसा करने का। दादा कई बार हम सच और दूसरे गलत होते तो उस वक्त हम गुस्सा करते, तो हमें गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुस्सा करना ही नहीं है कोई भी हिसाब से, कुछ भी हो जाए, कोई भी सही हो। हाँ। कोई भी गलत हो, कुछ भी हो, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा हाँ। करना यानी आप गलत हो गए, ओ हमको लगता है कि सामने वाला गलत है और मैं करेक्ट हूँ, तभी गुस्सा करना करेक्ट है, बट वो गुस्सा ही इनकरेक्ट है। वो सामने वाले को हर्ट करते हैं हम, और गुस्सा याने दादा भगवान ने बोला खुद का घर जलाना। क्या बोला दादा भगवान ने? खुद का घर जलाना। तो हीर को जलाए ऐसा वो करना है, ऐसा करना है? नहीं। हाँ, कभी नहीं करने का। इसलिए कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करने का, बस इतना नक्की कर दो। और गुस्सा हो गया तो खूब माफी मांगो दादा भगवान से, दादा माफी मांगता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे से, ये तो बहुत गलत हो गया। हाँ। गुस्सा मेरे को अभी चाहिए नहीं। गुस्सा को बोलने का तो दिमाग में रहता है, लेकिन अभी धीरे धीरे जा, तू मेरे पर कृपा कर, मैंने गलती से तेरे को घर में रख लिया, लेकिन अभी नहीं चाहिए, प्लीज माफ करो मुझे, माफ करो। तुम जो खाना बाना चाहिए सब दे दूंगा, लेकिन आप जाओ प्लीज प्लीज, ऐसा करो। हाँ, कोई कितनी भी आड़ाई अपने साथ करे, गुस्सा नहीं करने का। हाँ। तो लोग आड़ाई करेंगे अपने साथ, चिढ़ाएंगे गुस्सा करने के लिए सड़ी करेंगे। हाँ। ख्याल में है ना, टॉर्चर करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, गलत नाम बोलेंगे, छेड़ेंगे, गुस्सा नहीं होने का। जितना गुस्सा नहीं होगे सब समझ जाएंगे कि ये शक्तिशाली है लड़की, खलास फिर छोड़। हाँ। देंगे। चिड़ोगे, दादा भगवान का एक सेंटेंस है, जो चिड़ेगा गुस्सा करेगा वो नबड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नबड़ा हो जाएगा। नबड़ा यानी वीक वीक हो जाएगा, वीकनेस ज्यादा आ जाएगी है? उसमें वीकनेस ज्यादा आ जाएगी, वीकनेस ज्यादा आ जाएगी, वीकनेस यानी चिड़चिड़ा हो जाएगा, सहन नहीं कर सकता है कोई बात को। और दादा भगवान बोलते हैं जो चिड़ता नहीं है वो स्ट्रांग होता, वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो अपने को पकड़ लेने का। हाँ, गुस्सा करने से अपनी 10 साल की शक्ति एक झटके में चली जाती है। हाँ। इसलिए दादा भगवान को शक्ति भी मांगने की, और फिर गुस्सा कैसे भी करके नहीं करने, कोई कुछ भी करे गुस्सा नहीं करना है। हाँ। ख्याल में है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हो गया, अरे दादा गलती हो गया, अभी नहीं करूंगी, मैंने सच किया, अच्छा किया, बरोबर किया, वो गुस्से को ऐसा बोलोगे तो गुस्सा जाएगा नहीं। हाँ। इसलिए गुस्से को हमेशा बोलने का कि ये खराब चीज है। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा बोलो, उसको बोलो कि नहीं करेक्ट हो गया, तो गए काम से। हाँ। ख्याल में, मम्मी आपसे आपसे अगर कोई ग्लास फूट गया और मम्मी गुस्सा करेगी नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन प्यार से बोलेगी ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, मम्मी भूल हो गए, ऐसा बोलोगे आप। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, तो वैसा हम अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो सब लोग अपने से प्यार से बात करेंगे और अपनी बात सब मानेंगे, इसलिए गुस्सा नहीं करना है। ख्याल में, वो सबसे बड़ी वीकनेस है इंसान की, तो दादा भगवान में वो वीकनेस नहीं थी, इसलिए अपने में वीकनेस नहीं आ सकती है। उनमें नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, 1% भी नहीं थी, इसलिए अपने को शक्ति मांगने की, और अपने में भी वीकनेस नहीं आएगी।
तो दादा उन्हें कोई भी कुछ कह देता तो फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आता था, उनके बारे में बुरा कहता फिर भी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक एक लड़का आपके जैसा एक लड़का था, उसने बोला आपको गोली मारने का विचार आता है, तो दादा हंसते थे लेकिन बोले गोली तो नहीं मारी ने, चल मेरी क्या गलती हुई, दादा ने पूछा। फिर उसने दादा की गलती बताई, दादा बोलते बरोबर आप करेक्ट हो, मेरी गलती हो गई। दादा ने गुस्सा नहीं किया, ऊपर से उसको आशीर्वाद दिया। वो लड़के ने बोला मुझे आपको गोली मारने का मन करता है ऐसा बोला, फिर भी दादा को गुस्सा नहीं आया। सोचो आप, दादा को नहीं। और तो और दादा ने बताया कि तो बात सही है, दादा गोली मारने जैसे ही है। हाँ, फिर दादा को एक जगह पे 500 आदमी के बीच में गाली दे दी, गाली जैसा बात की, फिर भी दादा हंसते थे। समझ में आया हीर? हाँ, क्योंकि उनको कोई रिएक्शन नहीं हुआ था इसलिए। नहीं रिएक्शन नहीं, वो बोलते कि वो गुस्सा हो गया तो बोले तो वो गलती करेगा तो गिर जाएगा आदमी, गुस्सा करेगा ना जितना गुस्सा करता। एक एक स्टोरी बताता हूँ मैं। एक बहुत बड़े आचार्य थे जो बहुत साधना करते थे और एक ज्ञान का सब काम करते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उसका शिष्य अच्छा नहीं था। शिष्य जरा पोल मारता था। तो शिष्य के ऊपर एक बार गुस्सा हो गए, और शिष्य पर गुस्सा हो गए तो शिष्य भाग गया, भागता था तो वो भी उसके पीछे भागे। तो भागे ने तो भागते 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 वो शिष्य तो छोटा था इसलिए इधर से उधर से उधर से उधर से निकल गया, लेकिन गुरु निकल नहीं सके तो गुरु का सर वो खंभे के साथ अकड़ गया। समझ में आया हीर? तो गुरु का सर खंभे के से अकड़ गया तो खून निकला और गुरु मर गए। तो गुरु मर गए तो गुरु तो गुस्से में मर गए ना, तो गुस्से में आदमी मर जाता है, तो वो बड़े सांप हो गए दूसरा जगभव में अंदर। उसका जन्म किस में हुआ? साप में हो गया, इसलिए गुस्सा बहुत डेंजर है। ख्याल में आया? और दादा गुस्सा नहीं थे तो आदमी एकदम डर जाता है, गुस्सा जितना नहीं उतना आदमी को उनका ये लगता है, और क्या बोलते हैं, हाजिरी से जैसा एकदम ताप लगता है। वो क्या बोलते हैं, एकदम हम गलती नहीं कर सकते ऐसा लगता है एकदम। हम दादा के पास जाते थे ना तो हमारी फटाका मारती थी, डर लगता था दादा कुछ बोलेंगे, और तो गलती नहीं होती थी। तो जितना गुस्सा नहीं करोगे ने तो उतने अपना पावर ऐसा हो जाता है कि सामने वाला एकदम शांत हो जाता है, सामने वाला कुछ कर नहीं सकता है। समझ में आया? हाँ, इसलिए गुस्सा तो गुस्सा गया तो काम बन गया। हाँ, तो गुस्से को दिमाग में रहता है तो उसको बोलो अभी तू जा प्लीज, हाँ मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करना, अपनी फ्रेंडशिप खत्म हो गई, गलती से मैंने फ्रेंडशिप आपके साथ कर डाली थी, अभी नो फ्रेंडशिप। तो वो बोलेगा कि मैं अभी कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अरे आपको तो बहुत सब लोग बुलाते हैं, आप सबका आपका तो बहुत काम है, आपकी तो बहुत डिमांड है सबके पास, एक मेरे को छोड़ दो ना आप, ऐसा बोलने का। क्या बोलने का? आप मेरे को छोड़ दो अभी, बहुत सारे आपकी तो बहुत डिमांड है। क्या है? आपकी तो बहुत डिमांड है, सब लोग को गुस्सा बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ। तो बोले आपकी बहुत डिमांड है तो आप जाओ, अब मुझे छोड़ दो, हमारे सब महात्माओं को छोड़ दो। हाँ। हमारे तो सब फ्रेंड को छोड़ दो। मुझे साइंटिस्ट बनना है तो क्या ये गुस्सा उसमें बीच में आएगा तो वो रुकावट लाएगा उसमें? गुस्सा वाला साइंटिस्ट नहीं बन सकता है ना, रिसर्च नहीं कर सकता है। वो तो दिमाग जब एकदम शांत स्थिर होता है तब एकदम फर्स्ट क्लास काम होता है। हाँ। तो गुस्सा बोले तो बहुत डेंजर है अपने प्रोग्रेस के लिए। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो बोल देना, फिर भी कभी आए ना तो दीपक दादा को या मुझे बोलने का फोन करके कि आज आया था मेरे घर पे विजिट करने के लिए, तो मैंने ऐसा करके निकाला है, अभी आप देख लेना, ऐसा बोल देने का हमको। हाँ, जिसको भी फोन करो चलेगा, कोई वादा नहीं। परस दादा, हाँ एक सूत्र आया है आज का दादा का, क्रोध
यानी पहले खुद जलता है और फिर दूसरे को जलाता है। हाँ वो तो बताया, वो बताया। हाँ लेकिन ये बहुत वीकनेस वाली बात है, ये बहुत समझने की बात है। अपना अपनी जितनी कमाई है ना वो सब चली जाती है उसमें गुस्से में, और वैल्यू खलास हो जाती है। हाँ। समझ में आया ना, वैल्यू खलास हो जाती है। तो वैल्यू खलास हो गई तो फिर तो अपन इंसान ही नहीं रहे, वो तो सांप में जाने की तैयारी हो गई। हाँ। तो अपने को सांप में जाने का है, सांप में जन्म लेने का है? नहीं, सांप में जन्म लेने का है तो गुस्सा करने का, ज्यादा कोई वादा नहीं। नहीं सांप में जन्म नहीं लेना है वापस। हाँ वो देख लेने का, फिर आपको आपको सांप में नहीं लेने का तो गुस्सा मत करो, और सांप में लेने का तो गुस्सा करो ना, कोई वादा नहीं। वो तो सांप आड़ा टेढ़ा भी चलता है, ख्याल में है ना, क्योंकि वो आड़ा ही करता है, गुस्से के लिए आड़ा ही का होती है। हाँ वो देख लेने का, फिर सांप बनने का तो गुस्सा करो, सांप नहीं बनना है तो गुस्सा मत करो, और शक्तिशाली बनना है तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत रहता है। जितना आदमी शांत उतनी बात जल्दी समझ में आती है। हाँ। ख्याल में है? हाँ। ओके और कुछ क्वेश्चन है? नहीं नहीं दादा, चिन्नाई से क्वेश्चन है। अभी एक दिखाए ना, अभी एक दिखाए ना हीर। हाँ अभी एक एक दिखाए ना गुस्सा। हाँ एक दिखा है, एक दिखा है ना, और दो चार होंगे अंदर, और भी होंगे इसलिए वो तो निकाल नहीं है। तो कोई वादा नहीं, अभी एक दिखा है तो उसको निकालो। हाँ वो एक को निकालोगे तो फिर दूसरा दिखेगा। हाँ। घबराने का नहीं, वो बहुत साले अंदर चले गए गलती से। हाँ। अपन ने दरवाजा खोला ना तो वो मच्छर आ जाते ना आजकल। हाँ। दरवाजा खुला रखते तो शाम को। हाँ। तो वैसा दिमाग खुला रखते हैं ना तो घुस जाते सब। हाँ। तो वैसा गुस्सा भी घुस गया है, और फिर अपने को अपने ऊपर छा जाता है और अपने को हैंडल करता है। हाँ। तो अपने को हैंडल नहीं करना चाहिए, उसको बोल देने का हैंडल नहीं करने का। हाँ आवाज मनी चाहिए तेरा, गुस्से हाँ। पे गुस्सा करो तो काम बन जाएगा। हाँ। क्या मैं इंसान हाँ। पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गुस्से पे गुस्सा करने का है, गुस्से पे गुस्सा करना है। हाँ। तू क्यों आया, यहाँ क्यों आया, किसने बुलाया? तो वो बोलेगा मैंने, तुमने बुलाया तो मैंने बुलाया, लेकिन अभी नहीं बुलाती हूँ, अभी जा तू, तो जाएगा। हाँ? हाँ। ओके जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कुछ अपने चिन्नाई का क्वेश्चन है प्रजादा है, चिन्नाई का क्वेश्चन बोलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, पास में आके बोलो। जय सच्चिदानंद, जब भी दीदी खुशी दीदी और हमारी खुशी दीदी और दोस्त बातें करते कि कल हम दोनों एक सेम ड्रेस पहनेंगे, एसी सेम का, उस वक्त मैं भी वहां रहती हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है कि ये दोनों क्यों सेम पहनती है। क्या किया? मुझे जलन बहुत होती है। किसके लिए की, क्या किया उन्होंने? मेरी दीदी और मेरी दोस्त बातें करते साथ में रहते हैं और बातें करते हैं कि कल हम ये सेम ड्रेस पहनेंगे, तो उसके वक्त मैं वहां रहती हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्यों पहनी है उसने, ये दोनों क्यों सेम पहनती है? सेम पहनती है। हाँ हाँ तो दोस्ती होती है तो पहनती है, आपको क्या बांधा है उसमें? जलन होती है। तो जलन होती है तो पानी डालो उसके ऊपर। ड्रेस वो पहनते हैं तो आपको जलन होती है तो पानी डालो ना उसके ऊपर। पानी डालती हूँ तो मम्मी डांटती है, है? पानी डालती हूँ तो मम्मी डांटती है। अरे ऐसा पानी नहीं डालने का, पानी डालना मतलब क्या? आपका क्या नाम? करिश्मा। करिश्मा, करिश्मा को बोलने का, करिश्मा वो लोग पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है कि उनकी उनकी मर्जी, उनकी खुशी मिलती है, ख्याल में। तो ऐसा करिश्मा को बोलोगी आप तो पानी डाला बरोबर है।
पानी डालना है ना, वो पानी नहीं डालना, ख्याल में आया? हाँ तो जलन होती है ना, तो करिश्मा को बोलने का, करिश्मा ऐसा क्या करती है, उनको पहनने को मिलता है तो पहनने देने, तेरे को जलन क्यों होती है, खाली खाली क्यों जलती है, उसे अच्छा एक आइसक्रीम खा ले, ऐसा करके करने का, हाँ समझाने का, खुद को समझाने का। वो जलन होती हूँ मतलब उसका उसका सुख तुम देख नहीं सकती हो, तो उसका सुख तुम नहीं देख सकती हो तो अच्छी बात है नहीं। तो फिर आपको जब कुछ सुख आएगा ना तो कोई करने नहीं देगा। आप सपोज होटल में जाएगी तो आपका सुख का देख के सामने वाले को जलन होगी और आपको होटल जाने नहीं देगा, और जाने देगा तो खाने नहीं देगा, यानी नुकसान होगा आपका। इसलिए जलने का नहीं, ऊपर से खुश होने का। तो खुश होने से उनको जो सुख मिलता है वही सुख आपको भी मिलेगा। दूसरे का सुख आप देख नहीं सकते हो तो बहुत, वो तो गलत बात है, वो तो बहुत वीकनेस है। समझ में आया? तो खुद के ऊपर पानी डालने का, पानी डालने का नहीं क्या, खुद को समझाने का कि करिश्मा ऐसा क्या करती है, उनको इतना अच्छा ड्रेस मिलता है तो पहनते हैं तो पहनने दो ना, अपने को देखने में मजा आएगी, वो तो देख नहीं सकते, वो तो पहनते हैं लेकिन देखेंगे तो हम, तो आनंद किसको ज्यादा मिलेगा, अपने को कि उसको? हमको। हाँ तो पहनेगी और वो हम देखेंगे तो कितना अच्छा हो गया। फिर अपने को कौन सी स्टाइल से पहनने का, तो अपने को उसके ऊपर से स्टाइल मालूम पड़ती है। हाँ। और ऊपर से उनको बोलने का, अरे बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, वेरी गुड बोलने का, तो पानी डाल हो गया, अपने ऊपर पानी आ गया, करिश्मा के ऊपर पानी आ गया, तो जलेगी नहीं। हाँ। नहीं तो वगैरह दीवासिड़ी और वगैरह लाइटर, बिना लाइटर से आप जलती हो वो तो गलत बात है ना। हाँ। बिना कोयले से जलती हो, बिना गैस से जलती हो, बिना सली से जलती हो, कितनी गलत बात है। हम तो भावना करते हैं कि समस्त विश्व के जीवों को सुख शांति हो और उसको सुख मिलता है तो तू तो जलती है। हाँ तो दादा को प्रार्थना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दादा मुझे शक्ति दो, उनके सुख में बहुत अच्छा अच्छा अनुमोदन होना चाहिए अपना। हाँ। क्या होना चाहिए? अनुमोदन, एनकरेजमेंट होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना, जिसको जो सुख लगता है उनको ऐसा चाहिए तो अपना एनकरेज होना देखा, अच्छा ठीक है बहुत एंजॉय करो आप, बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा करके अपन अच्छा बोलोगे ना आप तो ऑटोमेटिक आपकी जलन बंद हो जाएगी। हाँ तो ऐसा जलना अच्छी बात नहीं है, वो गलत बात है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, आपने प्रैक्टिकल पूछा, मैं खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ खुश हो गया, और कुछ ऐसा हो गया तो हमको फोन करो आप, मैं समझाऊंगा आपको, दीपक भाई को भी फोन करोगे तो चलेगा। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके दर्शना, दर्शन दर्शना क्वेश्चन आप पे टेंशन तो नहीं करते थे अभी, कितना परेश दादा ने बोला आप तो है? आप क्या क्वेश्चन आपका? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा यह क्वेश्चन है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो बाहर दूसरों की गलतियां निकालने लग जाती हूँ, ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा दिखता है वगैरह वगैरह। तो मैं दादा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसा ना हो कि मैं दूसरों की गलतियां निकालूं या किसी के बारे में ऐसा बोलूं, पर तो भी ये होता ही नहीं और ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते रहते, तो वो क्या करना चाहिए? अगर आपका कोई नेगेटिव बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई बोलता है तो गुस्सा आता है और अच्छा नहीं, गुस्सा आएगा ना। हाँ। आपको ये क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मैं सबसे अच्छी हूं, तो इसलिए दूसरों की गलती निकालने की आदत पड़ गई, तो उसमें क्या होगा कि सब लोग आपको भी नेगेटिव बोलेंगे फिर, और तभी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नेगेटिव दिखे ने तो उसका पॉजिटिव बोलने का अपने को। सपोज मेरा नेगेटिव दिखा आपको तो आपको बोलने का, परेश भाई आप तो बहुत अच्छा सत्संग करते हो, ऐसा बोलने का, तो वो जो नेगेटिव तुम्हारे दिमाग में है ना वो निकल जाएगा। नेगेटिव कब तक टिकता है
जब तक आप वो नेगेटिव को सपोर्ट करते हो, लेकिन वो नेगेटिव को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हमारा पुरुषार्थ है। ये बच्चे लोग के माँ बाप के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। बच्चे को जब माँ बाप अच्छे नहीं दिखते तो बोलने का, ये मेरे मम्मी पापा जैसे कोई मम्मी पापा है ही नहीं, ऐसा बोलोगे ना तो मम्मी पापा के लिए जो तिरस्कार होता है, अभाव होता है, वो निकल जाएगा। इसलिए ये तो बहुत बड़ी चाबी है। इसलिए नेगेटिव आते हैं तो अच्छा है, आपको पॉजिटिव बोलने की आदत पड़ जाएगी और पॉजिटिव बोलोगे ना तो सब आपको वेलकम करेंगे। ख्याल में है? सही। और किसी का सचमुच नेगेटिव है ना, फिर भी अपन पॉजिटिव बोलना है। वो पॉजिटिव बोलने से तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, सब नेगेटिव निकल जाएगा और ऊपर से आपका बाहर अच्छा दिखेगा। क्योंकि सबके अंदर शुद्ध आत्मा है ना, सबके अंदर आत्मा है ना, भगवान है ना। तो भगवान है तो उनका नेगेटिव बोलने से भगवान को पहुंचेगा तो वही चीज अपने वापस आएगी, तो अपना जीवन खराब हो जाएगा, कांटों से भर जाएगा। आपको आपके जीवन में कांटे चाहिए? नहीं। ये नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव बोलने से सब कांटे आते अपने जीवन में, बहुत सारे कांटे आते। तो अपने जीवन में कांटे ना आवे उसके लिए पॉजिटिव बोलना है। सबको क्या लगता है कि पॉजिटिव बोलने से मेरे को क्या फायदा? अरे लेकिन उसका पॉजिटिव बोलने से आपको कोई नेगेटिव आपका बोलेगा नहीं और आपको वेलकम करेंगे और आपका दिमाग बहुत ब्रॉड होगा। ख्याल में है? इसलिए पॉजिटिव बोलने से, ऐसा इंटेंशनली पॉजिटिव बोलने से, इंटेंशनली समझ से पॉजिटिव बोलने से बहुत शक्ति आती है। समझ बिगर पॉजिटिव बोलो वो बात अलग है। और कोई नेगेटिव दिखता है, नेगेटिव करता है, नेगेटिव अपने लिए बोलता भी है, मालूम भी है, फिर भी हम समझ से उसके लिए पॉजिटिव बोले तो गजब की शक्ति आएगी अपने अंदर और सब नेगेटिव निकल जाएगा अपने अंदर। ख्याल में आया? आप खिला खाती हो? खिला? हाँ। खिला समझ में आता है? केला नहीं, केला नहीं, वो खिला क्या बोलते हो, बीच में मारते हैं ना, आयरन नेल्स। हाँ, आयरन नेल्स, खिली बोलते हैं। वो खाते हो आप कभी कभार? खिली खाते हो? लोखन की खिली खाते हो आप? लोहे की? कट हो रहा है आपका वॉइस। लोखन की खिली खाते हो? किली बोलते उसको, किली। आपका वॉइस कट हो रहा है बार बार, बहुत ज्यादा। अच्छा, ऐसा है? ओ, अभी मैं आजू बाजू देखू क्या करूं, अभी आता है? अभी आ रहा है कृष्णा? अभी आता है? हाँ, अभी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का, दिमाग का। ओके, वीडियो आप बंद करो। अभी बात करो। अभी आता है? हाँ, आ रहा है। पूरा क्लियर आता है? क्लियर आता है? उसे हाँ। कील बोलते हैं, कील। आप नहीं, वो नहीं। लोहे की कील। दीपक भाई का आवाज आता है? हाँ, आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आप कील खाते हो? कील, लोखंड की कील आती है ना, खाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा, वो खा ही नहीं सकते ना। नहीं, अगर खा गया तो मर जाएंगे और अंदर कील क्या करेगी, चला जाएगा तो कट मारेगी, बहुत मारेगी और बहुत पेन होगा ना। हाँ, खून आएगा। लोखंड की कील जाने से इतना होगा तो नेगेटिव सोचने से कितना होगा?
नेगेटिव कील तो बहुत बड़ी बात है, दिमाग से कील नेगेटिव है तो बहुत डेंजर है अपना। समझ में आया? हाँ, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर डालने का अपने पास ऐसी शक्ति है। समझ में आया? हाँ समझा। वो नेगेटिव नेगेटिव क्या है, अपने आंखों से कानों से अंदर हम जाने देते हैं, तो अभी बोलने से क्या करने का अपने को, पॉजिटिव बोलने का, तो पॉजिटिव बोलने से सब नेगेटिव निकल जाएगा, ऑटोमेटिक डिसोल्व हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। अरे चरण जी, हाँ, ये कोई कृष्ण भगवान के लिए ऐसा बताया है ना कि वो कलर के इतने वो नहीं थे लेकिन उनका अहंकार बहुत अच्छा था, वो क्या था? वो नहीं पता दीपक भाई, आप बोलो ने। अरे नहीं नहीं वो बोला था ना उनका कृष्ण भगवान का अहंकार, वो श्याम कलर के थे ना। लेकिन उनका वो बात कुछ वो क्या है, वो ऐसा वो कृष्ण भगवान दिखने में अच्छे नहीं थे। क्या नाम, दर्शना क्या नाम, दर्शना, हाँ दर्शना, वो कृष्ण भगवान दिखने में अच्छे नहीं थे लेकिन लोगों को इतना अच्छा बोलते थे ना, इसलिए लोगों को बहुत प्यारे हो गए थे, इसलिए लोग भगवान माना, क्योंकि सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। सबको नेगेटिव दिखता है लेकिन आप उसका पॉजिटिव बोलेंगे तो उसकी शक्ति आ जाएगी उसके अंदर, वो नेगेटिव उसमें से भी निकल जाएगा। ख्याल में है, दादा भगवान ने हमारे साथ ऐसा ही किया है। अरे परेश तू आया मेरे पास, ऐसा बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या नाम देके बुलाते थे, नाम देके, तो हमको इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी कि कितना भी नेगेटिव है ना सब निकाल जाता था। उनको सब मालूम था परेश कैसा है, कितना नेगेटिव है, कितना बदमाश है, सब मालूम था, फिर भी बोलते थे ऐसा, परेश तो आया दर्शन करने के लिए, आया मेरे पास आया, वाह वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलते थे तो मेरे अब सब नेगेटिव निकल गया। समझ में आई बात? हाँ आई। तो पॉजिटिव बोलोगे? हाँ। हाँ क्यों बोलने का पॉजिटिव? आज से शुरू करूंगी अभी। नहीं लेकिन क्यों बोलना है पॉजिटिव? कि खुद को मतलब हमको दूसरों के अंदर की बुर नहीं देखनी चाहिए, वरना हमारे जीवन में कांटे आ जाते हैं और हाँ, वो बराबर, लेकिन नेगेटिव बोलने से अपना 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 मन वचन का है जलना चालू हो जाता है, पेन चालू हो जाता है, हम सो नहीं सकते, तो अपना जीवन हम बिगाड़ते हैं, तो अपना जीवन नहीं बिगाड़ने के लिए पॉजिटिव बोलना है। हाँ। अरे कोई बुरा कर देवे ना, अपना बुरा कर देवे, मेरा जेब काट डावे या मेरे जेब में से पैसा ले जावे, तो भी एक बार वक्त आया तो कंटिन्यूस पॉजिटिव मत बोलो, लेकिन जब वक्त आए तब पॉजिटिव बोल दो तो काम बन जाएगा। ख्याल में है? ज्यादा करके सब लोग नेगेटिव को प्यार करते हैं, अपने को पॉजिटिव को प्यार करने का। हाँ। ख्याल में आया? हाँ, समझा। पॉजिटिव बोलोगे ने आप एक बार बोल के देखो, देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। नेगेटिव बोलने से भय लगता है अपने को और पॉजिटिव बोलने से भय निकल जाता है। हाँ। ख्याल में आया? हाँ। तो पॉजिटिव एक बार बोल के देखो, प्रयोग करो, जबरदस्ती मम्मी के लिए पॉजिटिव बोलो, देखो क्या होता है। घर पे तो प्रयोग कर सकते हैं ने? हाँ, कर सकते हैं। हाँ तो प्रयोग करके हमको बताओ आप क्या हुआ। कल बताएंगे कैसा करता है। कल बताना मेरे को, कल फोन करके बताओ। हाँ देखो एक बार दो बार एक बार किसी का पॉजिटिव बोलो, देखो क्या होता है। ठीक है, ओके। हाँ जय सच्चिदानंद, पूरा आपके वश में आ जाएगा। और कृष्ण भगवान वासुरी वासुरी वगाड़ते ना, वासुरी। हाँ। तो वासुरी वगाड़ने से क्या होता था, सब मनमोह हो जाते थे। मैं क्या हो जाते थे, मनमोह मतलब रह जाते थे उनके धुन में। हाँ वश हो जाते थे, उनके पास आ जाते थे, तो वैसा पॉजिटिव बोलने से होता है।
वो वासिनी का मतलब ऐसा है कि आप ऐसा बोलो कि सबको अच्छा लगे और आपके पास आवे। ख्याल में आया? प्रेजना, हमको अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी आगे जाएंगे, अभी एक पद सुनने का है देव का। अच्छा, बाद में बहुत क्वेश्चन है तो फटाफट करने का आज देव। लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत हो गया अपना, तो फिर बाद में वो क्वेश्चन तो होते ही रहते सबको। हाँ ठीक है, ठीक देव। हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संसार एक माया निजात, चाचा दादा जी चाचा दादा जी, संसार एक माया निजात, चाचा दादा जी चाचा दादा जी, आवेला कोई कायम ना रही सके, कोई लीता से कोई ना जाई सके, आवेला कोई कायम ना रही सके, कोई नीता से कोई ना जाई सके, समय तो रवाना थवाना, मैनू यहाँ छोड़ी ने जवाना, समय तो रवाना थवाना, मैनू यहाँ छोड़ी ने जवाना, संसार एक माया नी जान छे, सच्चा दादाजी। क्या गाया मालूम पड़ा आपको देव? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ क्या इस पद में क्या फायदा हुआ आपको सिंग करने के? क्या आपको क्या क्या समझ में आया पद में से? ये इसका मतलब ये कि संसार है वो एक माया की जाल, और जो दादा भगवान है वो सच्चे है, और जो इस दुनिया में जाते हैं जन्म लेते हैं वो कायम नहीं रहते, और किसी के साथ कोई नहीं जा सकता, और समय तो रहेंगे, जिसको जाना होगा वो जाएगा, और हम हमारे पास कुछ भी हो, अगर हम मरेंगे जाएंगे तो फिर हम उधर कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, हमें सब छोड़ना ही पड़ेगा। ओके वेरी गुड। दो मिनट आपको उसके पास जरा बात करो ये पद पे। परेश दादा हाँ थोड़ी दो मिनट उसके साथ बात करो ये पद के बारे में। नहीं बहुत अच्छा समझा उसने, बहुत अच्छी बात बोली उसने। अच्छा अच्छा ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ओके वेरी गुड। और जतन हाँ आपको कैसा लगा आज सत्संग? अच्छा लगा, सीखने क्या मिला। तो एक चीज आपने क्या उसमें ग्रहण किया? यही कि अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो भी खत्म हो जाती है, और दूसरों का भला करने से खुद का भी भला होता है। ओके वेरी गुड। हाँ अभी रेगुलर है ना, विधि दीदी आपको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। ओके 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 शीतल। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ परेशानंद जी, हमणा सामायिक चाले छे ने, पहली कलम क्या क्या चुकाई छे ते जोवानु, तो एमा मने देखायु के बधु अंदर सुपीरियर इन्फीरियर बिलीफ बधी बहु घणी बधी वस्तुओ माटे, मनी के एजुकेशन, मारी अंदर ए बे वस्तुनु बहु मोटू ए छे, तो मने एवुं देखायुं के ज्यारे मने एवुं लागे के हुं सुपीरियर छुं लेस एजुकेटेड पीपल के गमे ते होय, तो त्यांय दुःख उभुं थाय छे, कारण के व्यवहार बराबर थतो नथी, एणे मारुं सांभळवुं जोईए, मने वधारे आवडे छे। बीजी बाजु वेन आई एम अराउंड पीपल हु आर मोर एज्युकेटेड मोर मनी, त्यां पण प्रोपर व्यवहार थतो नथी, एमां आई एम टू इजीली इम्प्रेस्ड विथ more educated people, especially at work when they're in, you know, higher senior positions. So, beu baju suffering ubu thai chhe. To mare samajhvu tu ke aa gnyaniyo ane tirthankaro ni drashti ma to aa evu kai aavtu j nathi, superior, inferior. To aa badhu kevi ritna amathi
નીકળવાનું આ બધું જંજાળ બધી જે સુપીરિયર ઇન્ફિરિયર ચાલ્યા કરે છે તેનું દાદા ભગવાન બેલેન્સ કરતા હતા સુપીરિયર બહુ ભણેલા હોય ને તેને અંદર બેલેન્સ કરી નાખતા હતા કે આમાં કઈ બહુ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ નથી હતા કઈ પણ બેલેન્સ કરે કે આને બહુ સમજણ નથી ખબર પડી જાય એટલે બહુ ઇમ્પ્રેસ ના થાય કારણ કે પુણ્યને આધારે સુપીરિયર પોસ્ટ છે અને ઓલા પાપને આધારે નીચે છે નહીં તો એના વગર કોઈ કામ થાય નતું તમે ગમે તેટલા સુપીરિયર હો પણ ઘરમાં કામવાળી બહી ના આવે તો બધું કામ પતી ગયું અહીંયા ઇન્ડિયામાં તો અમેરિકામાં તો પણ અમેરિકામાં નાના માણસોની કિંમત બહુ જ છે કચરો કાઢનારા છે પછી આ કાર્પેન્ટર છે પ્લમ્બર છે એની કિંમત બહુ જ છે એ ના આવે ને તો તમે કશું ના કરશો ભલે ગમે તેટલા ભણેલા હો કારણ કે પ્રેક્ટિકલ લેવલ પર છે એટલે એની પણ વેલ્યુ છે અને આની પણ વેલ્યુ છે પણ આપણા દિમાગથી આપણે મોટી વેલ્યુ કરી નાખીએ એટલે આપણી અસર થાય છે એટલે નાનાની વેલ્યુ વધારવાની અને મોટાની વેલ્યુ ઘટાડી દેવાની એટલે બેલેન્સ થઈ ગયું એટલે બેલેન્સ કરવાનું ઓકે હા એની વેલ્યુ આપણે માઇન્ડથી વધારે મૂકી છે ઓ એટલે મેં જેવું ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે ખોટું મનથી માની લીધું છે હા ધેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ એટલે ત્યાં વેલ્યુ એની ડાઉન કરવાની અને આની વેલ્યુ ઊંચી કરવાની એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય હા તો ભાગાકાર ગુણાકાર કર્યા કરવા પડશે કારણ કે બહુ બધું છે ભાગાકાર ગુણાકાર કરવા જ પડે ખાસ કરવાના હા તો દાદા બહુ શીખવાડતા હતા કે જેને ગુણાકાર ભાગાકાર કરતા આવડી ગયો એને વ્યવહાર આવડી ગયો બધો બરાબર તો એક મને ક્વેશ્ચન છે આ પુણ્યની વાત કરીને તમે તો મને અંદરથી એવું થાય કે હા તો એનું પુણ્ય વધારે એટલે એ સુપીરિયર કહેવાય જ ને હા તો વાંધો શું છે ભલે ને એ તો એના માટે છે ને આપણા માટે થોડી છે હા આપણે આપણું જોવાનું છે હા એ તો એના માટે છે હા બરાબર હા અને પુણ્ય હોય તો આપણે માન આપવું પડે એમાં વાંધો શું છે માને આપવાનું વાંધો શું માન આપીએ તો આપણું કામ થાય આપણે આપણે મોટા થતા જઈએ તમે બીજાને માન આપો તો તમે મોટા થાઓ એવું કેવી રીતના કેમ તમને તમે એને માન આપો એટલે તમને ધક્કો ના મારી શકે હા એ વાત બરાબર હા તમે તમે માન આપો એના એની એની વેલ્યુ એની જે વેલ્યુઝ છે એને તમે રિસ્પેક્ટ કરો તો એ લોકો ખુશ થાય અને આપણે 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 ઓટોમેટિક આપણી વેલ્યુ વધી જાય એ રીતના બરાબર હા બરાબર એટલે આ તો બેલેન્સ કરવાનું જરાક બરોબર હા તો આ બધા આ આ જગતમાં બધા પુણ્ય પાપનું બધું ચાલે છે પુણ્ય વધારે કર્યું લોકોને હેલ્પ કરી હોય તો આ મોટી પોસ્ટ પર જાય મોટા પૈસા થાય બંગલા થાય બીજું કશું નહીં બીજી સમજણ ક્યાંથી લાવવાની આ જીવન જીવવાની દાદા ભગવાન વિજ્ઞાન જે એવી સમજણ છે જેની કલ્પના ના કરાય એ આપણા હાથમાં આવ્યું છે એનો ગર્વ લેવા જેવો છે આમ ખબે આમ પાછળ ઠોકવાનું કરે તો ધન્ય છે કે દાદા ભગવાન મળ્યા તને શું આટલું બધું આમ આમ કરે છે અને બધાની અંદર ભગવાન છે એ મોટા એજ્યુકેટેડ ની અંદર ભગવાન છે અને ઓલાની અંદર ભગવાન છે પછી નાના મોટાની ક્યાં વાત આવી અંદર ભગવાન જુઓ શુદ્ધાત્મા જુઓ એટલે વેલ્યુ પતી ગઈ નોર્મલ થઈ જાય બધું બરાબર એટલે મેં કોરોના એ મોટા નાના ને જોયા છે ના બધા કરોડપતિ ગયા સચ્ચિદાનંદ થઈ ગયું શું વેલ્યુ એ તો આપણે વેલ્યુ કરીએ એટલે આપણને વેલ્યુ લાગે કે આની પાસે બહુ પૈસા એટલે વેલ્યુ હોય એવું કશું છે નહીં બરાબર છે હા પૈસા તો એના છે તો એ એને રે આપણે શું છે આપણે એના પૈસા આપણે થોડી જોઈએ છે બરાબર પણ મને એ સમજાવ્યું કે મેં વેલ્યુ રોંગ જગ્યાએ આપેલી છે ને આજે નાના ને ખાસ વેલ્યુ આપવાની હા બરાબર મોટા ને વેલ્યુ ઓછી આપશો ને તો ચાલશે નાના ને ખાસ વેલ્યુ આપવાની હા અને બીજું કે આ સંસારમાં બધું છે પણ આ એ બરાબર છે પણ આ જીવન જીવવાની કળા એક જુદી વસ્તુ છે મની કે એજ્યુકેશન એને કોઈ લેવા દેવા નથી અને
સંસાર જીવવાની કળામાં મોટા મોટો પોઈન્ટ શું, તો કોઈને તકલીફ પડતી હોય તો પોતે એક મનુષ્ય છે તો મનુષ્ય પણ નિભાવે, એને હેલ્પ કરે, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે, એની વેલ્યુ કરે. એજ્યુકેટેડ હોય ને તો શું કે ઓલા ડોક્ટર ને મળી આવો તમે જાઓ, પણ હેલ્પ ના કરે ગાડી લઈને કે લઈ ના જાય, ડોલર નાના માણસો ચાલો સાહેબ હું તમારી સાથે આવું છું, ચાલો તમે તકલીફ ના પડે હું જોઈ લઈશ બધું તમારું. બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો? બહુ સરસ ખ્યાલ આવ્યો. હા, કારણ એ વેલ્યુ જ રોંગ જગ્યાએ મૂકેલી છે. એક્ઝેક્ટલી. હા, એટલે બેલેન્સ કરવાનું. આ તો પાપ પુણ્યના આધાર છે બધા, બીજું કશું નથી, એમાં કોઈ મોટું નાનું છે નહીં. પુણ્યના આધારે મોટું દેખાય, ક્યારે ખસી જાય પુણ્ય ને તો પતી જાય બધું. હા, એટલે મોટું નાનું નથી, મોટું નાનું તો બુદ્ધિ થી દેખાય છે આપણને. બરાબર. જ્ઞાને કરીને કોઈ મોટું નાનું છે નહીં, બધાની અંદર ભગવાન બેઠેલા છે. અને આ શરીર નું, આ કાળ નું, આ શરીર નું કોઈ ઠેકાણું નથી. મોટો હોય તો મોટા ટેન્શન, ક્યારે બીપી આવે ને એમરેજ થઈ જાય ને હાથ લટકી જાય, ખબર ના પડે. બરાબર છે. હા, એટલે બહુ એમાંથી ઇમ્પ્રેસ થવા જેવું નથી. હા હા, બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો, સમજાયું સરસ. હા, મોટું નાનું કોઈ નથી, બુદ્ધિ થી મોટું નાનું દેખાય છે. સમજણ કાચી એટલું ભેદ વધારે દેખાય, સમજણ વધારે એટલે ભેદ ઓછો દેખાય, ભેદ જ ના રહે. હા, તો એ સમજણ બરાબર કરવાની છે. હા, ઓલામાં પણ શુદ્ધાત્મા છે અને નાનામાં પણ શુદ્ધાત્મા છે, તો અભેદતા રહે તો પછી તો વાત જ ક્યાં રહી. હા, અભેદતા. હા, તમે કોઈનો જીવ બચાવો તો ઓટોમેટિક તમે મોટા થઈ ગયા. તમે કોઈને હેલ્પ કરી તો ઓટોમેટિક તમે મોટા થઈ ગયા. કોઈ વખત આપણે કરવી પણ નથી હોતી છતાં થઈ જાય છે. હા, એના જેવું. બરાબર. મોટા નાના તો શું છે, એક લૌકિક વ્યવહારના હિસાબે મોટા નાના છે. બુદ્ધિ જ્ઞાન થી મોટા નાના કોઈ નથી. જ્ઞાન થી મોટા નાના કોઈ નથી, તો બધા સરખા છે. તો જ્ઞાની પુરુષ ને અભેદ, અભેદ દ્રષ્ટિ, અભેદતા લાગે બધા જીવો સાથે. પણ એને માન આપે, રિસ્પેક્ટ આપે, પણ આજે બહાર લોકની વચમાં એનું માન છે. હા, તો એને માન આપવામાં આપણે શું વાંધો છે. હા, તો ત્યાં વ્યવહાર બરાબર થાય એ રીતના, પણ અંદર થી, હા, પણ અંદર થી એવું ઇમ્પ્રેસ ના થઈ જાય કે હોવા. હા, એક્ઝેક્ટલી. એટલે બરાબર ના, બહુ સરસ. મને એ ખાસ સમજાઈ ગયું કે આ વેલ્યુ મેં રોંગ જગ્યાએ મૂકેલી છે બધી, એટલે શુદ્ધાત્મા પણ નથી દેખાતા એની અંદર. હા, એ તો બહુ મોટી. હા, રાઈટ. શુદ્ધાત્મા દેખાય એટલે અભિન્નતા આવે, એટલે નાનો મોટું ઉડી જાય બધું. હા હા, પેલું કે છે ને, રિલેટિવ ને જ રિયલ માન્યું છે એવું દેખાય છે. બરાબર. તમને નાનું મોટું દેખાય છે કારણ કે તમે શુદ્ધાત્મા પર તમારું છૂટી ગયું. ઓ, ધેટ વોઝ અ બિગ મિસ્ટેક. બિગ મિસ્ટેક, રાઈટ રાઈટ. તો હવે શુદ્ધાત્મા જોવાના ઉપર ફોકસ રાખવાનું છે. આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે રહેવાનું, શુદ્ધાત્મા જોવાના શું કામ, આપણે શુદ્ધાત્મા રહીએ માટે જોવાના છે. બરાબર. હા, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અશોકભાઈ બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાન નથી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આપનું મોક્યું છે વોટ્સએપ માં તો ફોટો. ઓકે, તમે બોલો ત્યાં સુધી. દાદાશ્રી, તમને આ તાવ ચડે તો દવા પીજો એ સારી વાત, ગમી કે ના ગમી, પ્રશ્ન કરતા ગમી ને દાદાશ્રી, એવું ગમ્યું હોય તો આજથી શરૂ કરી દેવું, ના ગમતું હોય તો થોડા દાડા પછી. આપને ઉતાવળ શી છે 25 વર્ષ પછી, આનો કઈ ઓછું ઓછી જબરદસ્તી છે, થોડું આ સમજાવો.
તમે તમે સાહેબ આ છે ને આ શીલ દર્શક ચોપડીમાં છે અને બ્રહ્મચર્ય માટે આવું કહ્યું છે, ખ્યાલ આવે ને? શું નામ તમારું ભાઈ? કશ્યપ. કશ્યપભાઈ, આ દાદા ભગવાને જે કીધું છે એ બ્રહ્મચર્ય સંબંધી કીધું છે. હા, તો આ 25 વર્ષ પછી કેમ કહે છે? અરે 25 વર્ષ પછી નથી કેતા, આ તો વાત કરે છે કે એવું ગમ્યું હોય તો આજથી શરૂ કરી દેવું. એટલે શું કહે છે કે તમને કશું ઊભું ના થાય તો અબ્રહ્મચર્ય ના કરશો, એ શોખની વસ્તુ નથી. આની કોઈ ઓછી જબરદસ્તી છે? હા, એમ આપણે ઉતાવળ સી છે 25 વર્ષ પછી, આનો કઈ ઓછી જબરદસ્તી છે એમ? એટલે લગ્ન ના થયા હોય ને, લગ્ન ના થયા 25-27 વર્ષે લગ્ન થાય ને, હા, એટલે 25 વર્ષ સુધી તો સાચવો એમ કે છે. અબ્રહ્મચર્ય શું કામ કરો છો? અચ્છા, એમ કે છે એ આની ઉતાવળ સી છે તમારે એટલી બધી? અચ્છા, લગ્નના સંદર્ભમાં. હા, કયો ખ્યાલ આવ્યો? અમે કહ્યું કે તાવ ચડે તો જ દવા પીજે, અમારી જોખમદારી ને તમને મોક્ષ માર્ગમાં વાંધો નહીં આવે. આટલી બધી જોખમદારી લેવા છતાં તમે કહો છો કે અમને પૂરેપૂરી છૂટ નથી આપતા, તો તે તમારી જ ભૂલ છે ને. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો. અને આ વાત છે એ લગ્ન થયા પછીની વાત છે. ઓકે ઓકે. અને પછી કહે છે જયારે આ તો આત્મા તરફનું સુખ મળ્યું છે તેથી પોતાના આ સુખ ચાલુ જાય ને બધું. હા, શું કહે છે એના પછી? ત્યારે આ તો આત્મા તરફનું સુખ મળ્યું છે તેથી પોતાના આ સુખમાં વળી જાય છે અને પાછું મન જ્યારે ક્યાંક સહેજ ટકરાય તો તે વખતે પાછું બહાર પેલી વિષય બાજુ નહીં વળતા આત્મા બાજુ નહીં વળી જાય. આ મન ક્યારે સહેજ ટકરાય આ થોડું સમજાવો. મન જ્યારે કે ટકરાય નો શું અર્થ છે? એ એમ કહેવા માંગે છે કે તમે તમે તમને આત્માનું સુખ મળ્યું છે ને, તો હવે આ સુખમાં કાદવ જેવા સુખમાં હાથ શું કામ નાખો છો? ખ્યાલ આવે છે? આ મન ના માને આ જાણવાનું છે કે આ મન ટકરાવવાનું શું અર્થ છે? ના, ફરીથી બોલો તો ખ્યાલ આવે. મન જયારે ક્યાંય સહેજ ટકરાય તો તે વખતે પાછું બહાર પેલી વિશે બાજુ નહીં વળતા આત્મા બાજુ મય વળી જાય. તો આમાં મન ના ટકરાવો શું છે? કોને કીધું મન ના ટકરાવવા? અબ્રહ્મચર્ય ના વિચાર આવે ને. હા, એમ કેવા માંગે છે. અચ્છા, આમ અબ્રહ્મચર્ય ના વિચાર નો મન ટકરાવવાનો? હા, અચ્છા, ખ્યાલ આવે ને. બરોબર, ખ્યાલ આવ્યો. જો આ જ્યારે આ તો આત્મા તરફનું, ચાલો કઈ વાંધો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂજા, પૂજા, ઓકે, બ્રિજકુમાર, બ્રિજકુમાર, બ્રિજકુમાર અનમ્યુટ કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, કેસે હો આપ? ઠીક હૈ. બોલીએ, ક્યા ક્યા પૂછના હૈ? યે કોઈ ભી હેબિટ હો હમારી, અચ્છી હો યા બુરી હો, हमको तो लगती है कि वो हैबिट हमारी अच्छी है, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए बुरी होती है तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, छोड़ना क्यों है? उनको बुरी लगती है तो उनका प्रॉब्लम है, अपना क्या प्रॉब्लम है? कई बार लगता है ना, देखने वाले को अच्छा नहीं लगता है कोई चीज, तो अपन को उसको कैसे करें? नहीं नहीं, वैसा क्या, कौन सी हैबिट है बोलिए ना आप. नहीं, जैसे घर में कई चीजें होती है, अपन काम करते हैं कैसा भी है किसी के सामने, लेकिन कई ऐसी चीजें होती है जो किसी को अच्छा ना लगे तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, हैबिट है तो जल्दी चेंज नहीं होती है,
वो दारू पीने वाला आदमी है ना, तो उसको जल्दी दारू बंद नहीं करवा सकते, तो फिर भाव करने का कि इससे छूटे या तो किसी को दुख ना हो, वो तो हम करते हैं। दुख ना हो भावना करने से आपका कैसा भी व्यवहार हो, वो व्यवहार दुख वाला नहीं बनेगा। अच्छा, समझ में आया मेरी बात? हाँ। हमारे मन में क्या होता है, हम जो करते हैं सब बरोबर करते हैं, तो सामने वाले को दुख होता है उसका क्या करने का? तो कि भगवान हमारा व्यवहार ऐसा हो कि किसी को दुख ना हो, फिर वो कैसी भी हैबिट हो, बुरी हैबिट होगी फिर भी दुख नहीं होगा। दादा भगवान बोलते हैं हम खराब शब्द बोलते हैं, हम थोड़ा भारी शब्द बोलते हैं, फिर भी सामने वाले को दुख नहीं होता, खुश होता है कि आज मेरा कल्याण हो गया। अच्छा, समझ में आया? क्योंकि हाँ। उसके पीछे उनका भाव बहुत कल्याण के भाव है, किसी को दुख ना हो वैसे भाव है। अच्छा, तो वैसा अगर हमारे अंदर नियत ऐसी हो जाए कि दुख नहीं होना चाहिए, तो हैबिट की वैल्यू नहीं है। हैबिट के पीछे जो नियत है वो बदल जानी चाहिए, वो बदल गई तो फिर हैबिट की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर वो हैबिट बदल जाएगी ऑटोमेटिक। किसी को दुख ना हो बस इसी भावना होनी चाहिए। अच्छा, ख्याल में आया? अभी आपने ऐसे ही बोला कि भाई किसी को सामने के लिए उसके लिए अच्छी भावना करो, किसी को पॉजिटिव सोचो, लेकिन हमको ऐसा समझ में नहीं आता है ना कि हम कब उसको पॉजिटिव सोचे, हमारे लिए गलत ही गलत करता है। तो पॉजिटिव सोचना है ना, ऐसा नहीं सोचना नहीं है, ये ज्ञान से समझ के पॉजिटिव बोलना है। सपोज आपके हस्बैंड आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, हाँ, तो अगर वो नेगेटिव बोलते हैं तो तभी आपको बहुत दुख होगा। हाँ, तो वो दुख जो होता है, हाँ, वो दुख मिटाने के लिए आपको बोलना है कि मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर लेते हैं, अच्छा, मेरे को बहुत घुमाने ले जाते हैं। ऐसा क्यों बोलने का? तो कि जो अंदर दुख हुआ है हमारा हमको उसकी व्यवहार से, तो हमारी बुद्धि हमको खा जाएगी, हमारी बुद्धि हमको छोड़ेगी नहीं, बहुत दुख देगी। हाँ, दुख तो देती है। तो हमारी बुद्धि दुख ना दे हमको। अच्छा, इसीलिए आपको बोलना है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत खूब काळजी लेते हैं। ऐसा उनके सामने या उनकी गैरहाजिरी में कोई मिलता है तो बोल डालने का। आपका दिमाग बोलेगा नहीं कि ऐसा बोलने के लिए, आपका दिमाग बोलेगा तो ऐसा करते हो इसका क्यों बोलना अच्छा। लेकिन तभी अच्छा बोलने का, तो वो अच्छा बोलने से, पॉजिटिव बोलने से आपका दिमाग, आपकी बुद्धि जो आपको दुख देती थी वो बंद हो जाएगी। अच्छा, तो अंदर से दुख बंद हो गया तो खत्म हो गए, बाहर तो दुख ऐसे इतना है नहीं। बाहर वाले जो दुख देते ने वो कुछ है नहीं, अंदर वाले दुख देते वो बहुत बड़ा है। तो दादा भगवान ने ऐसे ट्रिक बताई कि अंदर वाला दुख देना बंद हो जाए, बाकी का रह जाए कोई वादा नहीं, उसकी कीमत नहीं है बहुत। अच्छा, अंदर वाला दुख नहीं देना चाहिए अपने को। समझ में आई मेरी बात? हाँ। इसीलिए उनके लिए पॉजिटिव बोलना है कि अपने अंदर वाले अपने को दुख नहीं देवे, अपने को काटे नहीं, इसलिए उनके लिए पॉजिटिव बोलना है। सपोज ब्रिज भाई को आपके लिए कुछ नेगेटिव है तो नेगेटिव वो देखने से अगर आपके लिए वो पॉजिटिव बोलेंगे तो उनकी उनको अंदर जो जलन थी वो बंद हो जाएगी। इसलिए खुद की जलन को बंद करने के लिए पॉजिटिव बोलना है। ये पांचवे आर्य में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इंसान से? पांचवे आर्य में, ये पांचवे इस कलयुग के अंदर हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंसान से। कोई ज्यादा कोई लाडवा नहीं खिलाने वाले, सब गाली देने वाले, ख्याल में है ना? तो दादा भगवान ने बोला तू पॉजिटिव बोल, पॉजिटिव बोलने से जो पिछला गुना है वो आसानी से खत्म हो जाएगा और तेरे को शक्ति आएगी, शक्ति बढ़ेगी, संयम परिणाम बढ़ेगा। संयम परिणाम बोले तो जबरदस्त स्थिरता आएगी, कोई कितना भी उसमें कचरा डाले ना जल जाता है। संयम परिणाम ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ भी डाले जल जाएगा, तो इसलिए वो पॉजिटिव बोलना है संयम परिणाम करने के लिए। ख्याल में आई बात? हाँ हाँ,
ब्रिज भाई को आई ख्याल में? हाँ आई। हाँ तो अभी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बोलना। हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल। ब्रिज भाई आप शुरुआत करोगे कि आप शुरुआत करोगे? कौन शुरुआत करेगा? दोनों बोलो ना। ब्रिज भाई नहीं बोलते? नहीं नहीं मैं तो बोलूंगा, शुरुआत करूंगा ही। है? हाँ हाँ करना ही है। नेगेटिव दिखता है कि नहीं दिखता है? आजकल कम दिखता है। कम दिखता है। अरे लेकिन पहला देखा उसका क्या? वो इसलिए है पहला दिखा ना, उसका भी सब प्रतिक्रमण करने की वजह पॉजिटिव बोलना चालू करने का। पॉजिटिव बोलोगे ना तो फूल 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 खिल जाता है, सामने वाला खिल जाता है, और वो खिल जाता है ना सब गलतियां खलास हो जाती है। ख्याल में है? हाँ एक क्वेश्चन और है। हाँ मेरा है। मैंने अभी सब समुद्र स्वामी का किताब पढ़ा था एक। हाँ उसमें एक लास्ट पेज पे ये था कि श्री समुद्र स्वामी आज प्रत्यक्ष हैं इसलिए डेरा सर बांधना है। हाँ प्रत्यक्ष डेरा सर कहलाता है, अन्यथा वह मूर्ति कहलाती है। राइट तो ये क्या डेरा सर का क्या मतलब? डेरा सर यानी वो अपने मंदिर के अंदर मूर्ति रखते हैं ना। हाँ हाँ तो पूरे पाठ को डेरा सर बोलते हैं। अच्छा जो मूर्ति जिसके अंदर जो जगह पे रहती है उसको डेरा सर बोलते हैं। वो जगह है तो अपने शिव मंदिर स्वामी के अंदर शुद्धात्मा पूरा खुला हो गया तो अच्छा। उनका शरीर मन वचन का या डेरा सर बन गया। अच्छा उनका देह डेरा सर जैसा हो गया ने। हाँ हाँ चलता फिरता मंदिर हो गया। अच्छा किसके जिसके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। अच्छा तो बोलते वो हजरा हजूर है उनके अंदर आत्मा प्रकट हो गया इसलिए डेरा सर हो गया तो दर्शन कर लो और आपका कल्याण कर लो। इसलिए हम 40 बार नमस्कार करते हैं ने। 40 बार नमस्कार उनके साथ तार ज्वाइन करने के लिए और अपना कल्याण हो जावे। वो डेरा सर का दर्शन कर वो डेरा सर का दर्शन करे तो अपने अंदर के भगवान खुले होते हैं। ऐसा देर असर इस वर्ल्ड में कभी होता नहीं है कि जिसके दर्शन मात्र से हमारे अंदर जो भगवान है वो खुला होता है और हमारा देह भी देर असर बनता है। अच्छा और हमारा देर असर बनेगा तो हमारे आजू बाजू जो है उसका भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा हाँ इसलिए भगवान सिमंदर स्वामी का दर्शन करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, नमस्कार करते जो थोड़ा टाइम मिले नमस्कार चालू करो, थोड़ा टाइम मिले नमस्कार चालू करो। अच्छा तो परेश भाई चलते फिरते रास्ते में जैसे वॉक करते हैं तो अभी हम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है ये शुद्धता नहीं है इधर है, इधर शुद्धता नहीं है। शुद्धता नहीं है इसलिए भगवान अंदर ढके हुए है। हाँ हाँ तो जितनी शुद्धता आएगी उतनी भगवान बाहर आएंगे। इसलिए वो नेगेटिव भाग हमारे अंदर जो पड़ा है उसको निकाल डालो और पॉजिटिव बोलना चालू करो तो शुद्धता बढ़ती जाएगी और शुद्धता बढ़ने से भगवान बाहर आते हैं तो देरा सर ये देरा सर जैसा बन जाता है। ख्याल में आया? इसलिए वो दादा भगवान के पास हम लोग 24 घंटा पड़े रहते थे क्योंकि वो भी देरा सर था। अच्छा भगवान खुले थे उनके अंदर तो देरा सर बन गया था। उनके दर्शन मात्र से कल्याण होता है, दर्शन मात्र से, देखने मात्र से अंदर का आत्मा जग जाता है। ऐसा कभी होता ही नहीं वर्ल्ड में, कभी कभार ही होता है। तो हमको तो सिमंदर स्वामी भी मिले और दादा भगवान भी मिले तो काम बंद निकाल देने का। समझ में आई बात? ओके ओके जय सच्चिदानंद। पूजा जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी हाजी मारो क्वेश्चन कलम 1 ने विषय छे के तमने मने आम थोड़ू लाइक सूक्ष्म रीते समझावसो के तमें जारे रिसाइट करता हो कलम
column one. Emma, like, how are we? Are we separating ourselves from like our opinions? Ke je na dubai ke anumodya ame separate rehvanu koshish kariye che ke that's one question. And bijo je question che ke shayad vad vani vartan ane manan je aave e amara juda juda phases ma aave ke I think me kase samri tu ke I think वाणी मनन अमारू पहलू सुधरतु जाए पची वर्तन पची वाणी इज दैट एमा थोड़ू एक्सप्लेनेशन वधारे आपसो अने एवू छे के लाइक आई थिंक आई हर्ड के कलम वन इज द सेंटर ऑफ बद्दी कलमोनु सेंटर छे एमा थोड़ो वधारे एक्सप्लेनेशन आपसो एमा एवू छे बेन के आपणे शुद्धात्मा छे तो शुद्धात्मा थईने फाइल नंबर 1 नी अंदर हेट्रेड जे पड़ेलू होय जंगली पणु पड़ेलू होय एना आधारे बीजानो अहम दुभाय ते आपणे जोवानो छे आपणी अंदर पड़ेलू छे एवुं कोई आपणे चीडवे ने तो आपणे गमे तेवा शब्दो बोली नाखीए एटले आपणे एटले आपणो अहंकार एवो स्ट्रोंग नथी के जे एने टॉलरेट करीए એટલે આપણા અહંકારને આપણે જોઈએ તો પછી અહંકારની અંદર શક્તિ આવે અને અહંકાર શુદ્ધ થઈ જાય એટલે પછી એટેક ના કરે. ઓકે, એટલે આ સામાયિકમાં શુદ્ધાત્મા થઈ અને પોતાના અહંકાર એટલે કે પોતાનો વ્યવહાર જુદા 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 માણસો સાથે કેવો કરે છે અને કઈ રીતનો એટેક કરે છે બીજા પર તે જોવાનું છે. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? સમજણ એ ઓવરઓલ બધા જ રિલેટિવ બધા 360 ડિગ્રી રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ને કવર કરી લે એટલે 360 ડિગ્રી વ્યૂ પોઈન્ટ ને કવર કરી લે એટલે કોઈની ઉપર પર્ટિક્યુલર એટેક ના થાય. શ્યાદવાદ વસ્તુ કેવી છે તો કે માણસને કલ્પિત નથી સમજતા, ક્રોધમાન માયાલોભને કલ્પિત સમજે છે. હવે ક્રોધમાન માયાલોભને કલ્પિત સમજે ને એના માટે વાત કરે ને તો કોઈને દુઃખ ના થાય, બધાને એક્સેપ્ટેબલ થાય કે મારામાં છે જ અને આવું હું કરું જ છું. શ્યાદવાદ થઈ ગયું. કોઈના પર્ટિક્યુલર માણસ માટે વાત ના કરે કે તું આવો છો. એ તો મશીન છે, પણ મશીન ને ચલાવનારા કશાયો છે, ક્રોધમાન માયેલો. એટલે કશાય ની વાત કરે એટલે કોઈને દુઃખ ના થાય, કારણ કે આ કશાય તમને દુઃખ આપે છે એવું કોઈ કીધું નથી. માણસો દુઃખ આપે છે એવું માણસ સમજે છે કે બીજા દુઃખ આપે છે. ભગવાન કે બીજા કોઈ તને દુઃખ આપતા જ નથી, તારી અંદર રહેલા કશાયો તને દુઃખ આપે છે. હવે એવી સમજણ પડે એટલે એ શ્યાદવાદ થતું જાય, પછી વાણી બધી બદલાઈ જાય એની મેળે જ. જ્યાં સુધી કોઈને કરતા માને ત્યાં સુધી શ્યાદવાદ ના થાય. કરતા માને છે ને, કરતા માને એટલે શ્યાદવાદ ના હોય, બીજાને હર્ટ કરનારી વાણી હોય હોય ને હોય, અને કરતા ના માને તો એનું શ્યાદવાદમાં કન્વર્ઝન થઈ જાય, કોઈને હર્ટ ના થાય એ વાણી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દરેક વ્યવહારની અંદર અહંકાર કામ કરે. એટલે કવિરાજે બહુ સરસ પદ છે, સંજોગાધીન છે માનવ બમરડો, અક્કડ અહમે હું પદે ફરતો. હું એન્જિનિયર છું, હું આમ છું, હું સીઈઓ છું, અક્કડ અહમે હું પદે ફરતો. અહમ પોષાતા રાજી થઈ ગયો, અહમ દુબાતા નારાજ થઈ ગયો. આ જીવન છે, આખો દિવસ શું ચાલે?
अहंकार का तो पोसा है का तो अहंकार डूबा है ख्याल आया या बैक एंड फोर्थ अच्छा तो बैक एंड फोर्थ अच्छे पर मेन सेंटर में कौन छे अहंकार એટલે આ સામાયિકમાં દરેક વ્યવહારમાં અહંકાર કેવો વર્ક કરે છે કેવો એટેક કરે છે કેટલો જલ્દી એટેક કરે છે ક્યારે એટેક નથી કરતો એ બધું જોવાનું એટલે જેટલો અહંકાર આપણો દેખાય એટલો અહંકાર ઓગળતો જાય ઓકે ખ્યાલ આવ્યો હા એ એ અહંકારને જોવાનો કે કેવો અહંકાર લઈને આવ્યા છે આપણે તો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા હવે પણ આ અહંકાર ને આધારે શુદ્ધતા આપણી થતી નથી તો જેમ જેમ અહંકાર પર દ્રષ્ટિ પડતી જાય તેમ તેમ એ અહંકાર ઓગળતો જાય એનું જોર ઓછું થઈ જાય એનો ફોર્સ ઓછો થઈ જાય જેમ તને ખબર પડે કે તારી આ આદત બરોબર નથી એવી ખબર પડે તરત જ એ નીકળવા માંડે તમે રિટેલિએટ કરતા હોય કોઈ તમને સમવન સેઝ સમથિંગ બેડ અબાઉટ યુ કે નેગેટિવ એટલે તમને અંદર લાઈક અહંકાર કેટલો નબળો છે કે એને અસર પહોંચી એ જોવે એટલે રિટાલિએશન બંધ થઈ જાય એક આ તો રિટાલિએટ કરે છે હો તારી આ તો નબળાઈ છે તારી અંદર એવું આપણે જોઈએ એટલે અહંકાર ની અંદર શક્તિ આવી જાય રિટાલિએટ કરવાનું બંધ થઈ જાય એટલે પ્રોબ્લેમ જ સોલ્વ થઈ ગયો ઓકે આ જોવાથી એટલે દાદા ભગવાન કે છે ને પોતાની એક ભૂલ જુએ તો કલ્યાણ થઈ જાય એને દેખાવી જોઈએ ને સમજણ પડવી જોઈએ કે ભૂલ શું વસ્તુ એટલે આ અહંકાર ને જુએ તેમ તેમ ઓગળતું જ જાય કારણ કે અહંકાર ફૂલ ભૂલો થી ભરેલો છે ભૂલોનું મોટા મોટું બંડલ છે એટલે એ અહંકાર ને જુએ એટલે એને સેન્ટર પોઈન્ટ કીધો અહંકાર થી દુનિયા ચાલે છે અને અહંકાર ઓગળી ગયો તો મોક્ષે ચાલ્યો જાય ખ્યાલ આવ્યો એટલે એ અહંકાર ને જેટલો તમે ઓળખશો દરેક બાબતમાં દરેક સિચ્યુએશનમાં દરેક સર્કમસ્ટાન્સીસમાં એટલું તમારું જબરજસ્ત કલ્યાણ થઈ જશે એટલે એ અહંકાર ને જોવાનો છે કાઢવાનો નથી એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ભાગ છે એ તમે ખાલી જોશો ને એ ઓગળી જશે બસ જોવાથી ઓગળી જાય કાઢવા જશો તો બીજો અહંકાર પેસી જશે કારણ કે કાઢનારો રહ્યો નથી હવે આપણે તો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા એટલે કશું અમારાથી બોલાઈ જાય તો એને જોવાનું એટલે અમારો અહંકાર જોવાનું ક્યાં બોલાવ્યું છે ક્યાં તને હર્ટ થયું તો કે મારું બધાની વચમાં કીધું તો તારે તારું માન એટલું બધું શું છે તું એટલી શું સ્પેશિયલ થઈ ગઈ કહી દેવાનું એટલે તરીકે હા ઓકે ઓકે સોરી 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 એટલે અંદર સોરી થઈ ગયું પતી ગઈ વાત કારણ કે આવું તો આવવાનું જ કારણ કે આવું તો આપણે પણ એ અહંકાર એવું કરેલું છે માટે આજે આવ્યું તો એ જો આજે આવ્યું તો હવે તું ડિસ્ટર્બ શું કામ થાવ છું હાર્ટીલી લઈ લે જમા કરી લે જમા કરવાની શક્તિ નથી એટલે પાછું આવ્યું તો કે હવે તને આ નથી ગમ્યું તો હવે પાછું આવ્યું તો પાછું નહીં આવે એટલે એમ એમ જો બતાડે એને કામ થઈ જાય એટલે આ કલમ માં બોલવા લાઈક આઈ ગેસ કેવી શક્તિ આવે આપણને ઇઝ લાઈક ડિપોઝિટ કરવાની શક્તિ આવે હા ડિપોઝિટ કરવાની શક્તિ આવે પ્લસ જોવાની શક્તિ આવે ને ઓકે કે આ અહંકાર કોઈ જોયો જ નથી અહંકાર જોયો એટલે કલ્યાણ થઈ ગયું મહાવીર ભગવાને 12 વર્ષ પછી કેવળનાથ થયું તો 12 વર્ષ કર્યું શું પોતાના અહંકાર ને ઓગાડ્યો એ જ જોજો કર્યું એ જ અહંકાર ને જોવાનો છે દાદા ભગવાન એક સેન્ટેન્સ છે જેને અહંકાર નો ફોટો પાડતા આવડી ગયો એટલો એ મોક્ષ તરફ ગયો ઝીરો અહંકાર થયો તો મોક્ષ થઈ ગયો દાદા ભગવાન ઝીરો અહંકાર હતો નો અહંકાર એટલે એમના દર્શન કરવાના કે દાદા તમારા દર્શન અમને કરતા નથી આવડતા પણ તમે તો અહંકાર લેસ છો ઈગોલેસ છો ઈગોલેસ માણસ ને મને જોવા મળ્યા અમે તમારી ભક્તિ કરતા થયા પ્લીઝ દાદા મને પણ એવી શક્તિ આપો કે જેથી કરીને આઈ ઓલસો બીકમ ઈગોલેસ
કે દાદા કહે છે પછી તને ઇગોલેસ બનાવ્યા છે પણ તું ઉપયોગ નથી મૂકતો, તું જોતો નથી, તો કહું કે દાદા શક્તિ આપો જોવાની. રાઈટ 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 યા રાઈટ ઓકે યા યા મમ્મી નામ જ્યોતિ. હા જ્યોતિબેન, જ્યોતિબેન અરે જ્યોતિબેન તમને બહુ જમાડ્યા ભાઈ. પછી શિકાગો જઈશું આપડે જમવા. ઓકે લઈ જાઓ તો સારું ભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. સાહેબ સ્પંદન અને સંવેદન ની વચ્ચે શું ફરક જરા સમજાવશો? સ્પંદન એ તો ઉઠે અને સંવેદન એટલે અનુભવ થાય. એટલે સ્પંદન અંદર થી ઉઠે. હા સ્પંદન અંદર થી ઉઠે, પરમાણુ ફૂટે. હા હા. અને સંવેદન માં તો અનુભવ થાય. તમને તાવ આવ્યો ને માથે હાથ મૂકો તો કે ભાઈ તાવ આવ્યો છે. સંવેદન થયું. મચ્છર મચ્છર હાથ પર બેસે અને કઈડે ત્યારે સંવેદન થાય. એ પર સંવેદન છે. સ્વસંવેદન જેટલું એ વેદો ના તો સ્વસંવેદન તરફ ખુલ્લું થાય. અચ્છા સ્વસંવેદન એટલે આત્માનુભૂતિ. આત્માનું વેદન થાય. પણ એ આત્માનું વેદન ક્યારે થાય? તો કે પર વેદન બંધ થાય ત્યારે. બરાબર ખ્યાલ આવે ને. મચ્છર કઈડે તો એનું વેદન થાય છે કે આ મચ્છર મારો કઈડો કઈડ્યો 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 તો એ વેદન થયું. એને જાણવાનું હતું તો જાણવાના બદલે વેદ્યો. એટલે સ્વસંવેદન નથી થતું, એનું આવરણ આવી જાય. બરાબર. એટલે દરેક સંયોગને હવે ઉપયોગ પૂર્વક જવા દેવાનું. બરાબર. એટલે સંવેદન થતું જાય પોતાનું. પોતાનું સંવેદન પોતાને થતું જાય. અત્યાર સુધી સંવેદન પારકાનું કરતો તો માટે પારકું વસ્તુ ઊભી થતી હતી અને એનો અનુભવ થાય છે. હવે જાણવા રાખો તમે દરેક સંજોગોમાં વેદનમાં જેટલું જેટલું તમે જાણ્યા કરો એટલું સ્વસંવેદન ખુલ્લું થતું જાય અને પછી આત્મા અનુભવમાં આવે. બરાબર. અત્યારે અંશે કરીને ખુલ્લો થાય. બરોબર છે સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ. પરેશ આનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશ આનંદ, અહીંયા આગળ મોસ્ટલી તો લોનલીનેસ હોય જ, રાઈટ? લોનલીનેસ ગમે ખરી, પણ ઘણી ફેરે પછી આમ બહુ એવું લાગે કે બહુ એકલા પડી ગયા, ગમે નહીં ઘણી ફેરે, યુ નો. તો આ કેવી રીતના સોલ્વ કરવું? આ ઘણી ફેરે એમ થાય કે કોઈની સાથે વાતચીત કરવાનું હોય તો કેટલું સારું પડે એમ. હા, એના જેવું છે કે જયારે વાતચીત કરવા વાળા હતા ત્યારે એને ધક્કા મારેલા. સાચી વાત છે. કારણ કે મનનો સ્વભાવ એવો છે. મનનો સ્વભાવ કેવો છે કે દરેક સંજોગોમાં એ કઈ ને કઈ ધક્કા માર્યા કરે અને એને એમ કરે કે આવું ના હોય તો સારું, એકલી હોય તો સારું. સાચી વાત છે. હવે જયારે એકલા થાય ત્યારે એમ થાય કે કોઈ વાત કરવા વાળા હોય તો સારું. સાચી વાત છે. એવું જ થયું છે. અને વાત કરવા વાળા હોય ત્યારે કે સાલા ના હોય તો હાર ભટકાય હોય, એકલા જ રહેવું છે. એટલે દાદા ભગવાન શું કહે છે, હવે એ બધી ભૂલ હતી આપણી. બરાબર. પહેલા એવું હતું કે બધા હોય તો સારું, ઘણી વખત એવું થાય કોઈ ના હોય તો સારું. આ બધું રિલેટિવ છે, એમાં સાચું શું છે નહીં, પણ આપણે શું માનેલું એના આધારે આવી સ્થિતિ થઈ. હવે દાદા ભગવાન શું કહે છે, હવે તને જે સંયોગ ભેગો થયો છે એનો નિકાલ કરી નાખ. બરાબર.
આ હોવું જોઈએ તે હોવું જોઈએ એની વાત નહીં કરવાની. નિકાલ કરી નાખ જે આવ્યો તે. કારણ કે જે પ્રાપ્ત સંયોગ છે એ પ્રાપ્ત સંયોગોનો નિકાલ કરવો એના જેવું મોટા મોટું તપ કોઈ નથી. બરાબર. એટલે પ્રાપ્ત સંયોગોનો દાદા ભગવાને આજ્ઞા આપી, સંભાવે નિકાલ કરી નાખ, દાદા શક્તિ આપો, આ સંયોગનો મને નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. તો એવી ગોઠવણી થઈ જશે ને કે તમને એ વસ્તુ ઉપકારી થઈ પડશે. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને, કોઈને સાધના કરવી હોય તો એકાંત જોઈએ, એકાંત પડેલું છે તો હવે એકાંતમાં શું કરવાનું? તો કે આપણા મનને બુદ્ધિને જોતા જવાનું, એ ઉપયોગ થોડો ગોઠવશો ને તો એકાંત એકાંત નહીં લાગે. બરાબર. ખ્યાલ આવે? આ તો પહેલાની એવી માન્યતા, કોઈ બોલનાર જોઈએ, કોઈ આમ જોઈએ, કોઈ તેમ જોઈએ, બરાબર છે, એનો વાંધો નથી. હવે એ મનને પણ જોવું કે પહેલા ધક્કો પાડ્યો હતો ને હવે તું આમ કરે છે, હવે ચાલ હવે જે આવ્યું છે તે આવી ગયું, ચાલ વાંધો નહીં. એમ પોતાની સાથે વાત કરો, પોતાની સાથે વાત કરો, શુદ્ધાત્મા થઈ અને મીનાક્ષીબેન સાથે વાત કરશો ને તો બહુ સરસ થશે. દાદા ભગવાન તમારી સાથે છે, આટલા બધા મહાત્માઓ તમારી સાથે છે, આટલા બધા આપતો પુત્રો તમારી સાથે છે, વાત કરવાનું મન થાય તો દાદા આપતો પુત્રો સાથે વાત કરો. ફોન છે તમારી પાસે, આ તો ગમે ત્યારે વાત થઈ શકે એમ છે. પણ પરેશાન ઘણી ફેરે એવું થાય કે ઘડીએ ઘડીએ ક્યાં આ પુત્રોને હેરાન કરવા. અરે આપતો પુત્રો હેરાન કરવા માટે જ છે, કારણ કે આપતો પુત્રો નું નામ જ આફત પુત્રો છે. ઘણી વાર એમ થાય કે આ તો નાની નાની બાબતમાં તું તો એ લોકોને ઘડીએ ઘડીએ ફોન કરસ ને આમ, અને સુધરતી તો છું નહીં, કશું યાદ તો રહેતું નથી ને, પૂછપૂછ કરસ ને કશું યાદ તો રહેતું નથી, તને એવું બધું થાય પછી. અરે એને ફોન કરશો ત્યારથી જ કેટલા પ્રોબ્લેમ એમને સોલ્વ થઈ જશે, ફોન નો હાથ લેશો ત્યારથી. ચાલ અમને લોકો આફત પુત્રો કહેતા હતા, પછી દાદા ભગવાને કીધું કે વાત સાચી છે, આ આફત પુત્રો છે, આ બધાની આફત કાઢનારા છે, માટે આફત પુત્રો છે. પછી પરેશાનંદ દાદા, આઈ ડોન્ટ નો, મેં એવું સાંભળ્યું કે આપણે યથાર્થ વાતચીત કરી કોને કહેવાય, મીનાક્ષી જોડે મારે વાત કરવી હોય તો એ યથાર્થ કેવી રીતના થાય? એમ યથાર્થ એટલે બીજું કશું નહીં, વાત કરતા કરતા તમને અંદર સંતોષ થઈ જાય, અંદર શાંત પડે, એટલે યથાર્થ વાત થઈ કહેવાય. ઓકે. યથાર્થ એટલે બીજું કશું નહીં, અંદર છૂટવું પડે, એમ છૂટવું પડે. મીનાક્ષી ને જે વિચારો આવે છે તેને તમે બહુ ના માનો, એ છૂટું પડ્યું એટલે યથાર્થ થઈ ગયું. ઓકે ઓકે. એમાં ભળવું નહીં એટલે છૂટું થઈ ગયું. હા, એટલે વાતચીત કરવાની ને, તમે છૂટા પડો એટલે મન તમારી પર ચડી ના બેસે. ઓકે. આ તો મન ચડી બેસે છે કે હું હવે એકલું છું, કોઈની સાથે વાત ના કરાય, આપતો પુત્ર સાથે વાત ના કરાય, આવું મન ચડી બેસે. કહી દેવાનું તારી વાત સાંભળવાનું નથી, જા માતાકુટ ના કરીશ. પછી છે ને પરેશ, પછી એ છે ને એને ખાવામાં ખાવામાં જતી રહે, આ ખાવું ભૂખ ના હોય તોય ખાયા કરે. કશો વાંધો નહીં, આપણે જોવાનું ને, આપણે જોવાનું ને, શુદ્ધાત્મા થઈને, શુદ્ધાત્મા થઈને આ મનને જોવાનું. તમે આ મનને જોશો ને બહુ મજા આવશે, બહુ મજા આવશે. એકાંત નહીં લાગે, મનની ભીડ બહુ મોટી ભીડ છે, જબરજસ્ત ભીડ છે મનની. મનને જોતા થશો ને તો બહુ મજા પડશે, દિવસ ક્યાં પસાર થઈ જશે ખબર નહીં પડે. મનનો એક ફેસ જોવો એટલે તો કલાકો ના કલાકો ચાલ્યા જાય. ઓકે. અને તમારે બીજા સાથે વાત કરવાની બહુ, છતાં એવું કઈ વધારે થાય તો કોલ આપતો પુત્રો, કોલ મહાત્મા, એની વન જસ્ટ, અને ગપ્પા માયરા કરો, ચિંતા શું કરો છો? કારણ કે ઘણી ફેર એવું થઈ ગયું કે જાણે બોલતા જ આ બધું આવડતું નથી, યુ નો, શું બોલીશ, શું પૂછીશ, આ બરાબર પૂછાય, બધું કરવાનું, એની મેળે વાતો નીકળે. હા, એવો વિચાર ના કરશો, બહુ ફિકર ના કરશો. હા, એની ટાઈમ યુ કોલ એની આપતો પુત્ર, નો પ્રોબ્લેમ.
गम्मे तेरे कॉल करी सको कोई पण आपतो पुत्र रे कोई पण आपतो पुत्र रे कॉल करी सको हां चक्कर एमनी 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 फरज छे एमनी फरज छे चक्कर जय सच्चिदान जय सच्चिदान हां जय सच्चिदान अरेंडी योर डे टाइम इज आवर डे टाइम योर नाइट टाइम इज आवर डे टाइम नो प्रॉब्लम ने आपरे तो डे नाइट બોલાવજો મીનાક્ષીબેન ફોલો કરજો नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव पाव पणासणो सव पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलाणम च सव्वेसिम पदमं हवै मंगलम पदमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद काले फ्राइडे कालो प्रोग्राम आ रीते छे सवारे 6:30 એ પ્રાતવિધિ સવા 10 એ ગુજરાતી સત્સંગ 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ 4:30 એ કીર્તન ભક્તિ અને રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ અને ફરીથી આપણે 10 મિનિટનું સામાયિક સમય સંજોગો પ્રમાણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીશું તમારા દિવસ દરમિયાન ફ્રી ટાઈમમાં પહેલી કલમ જ્યાં જ્યાં બ્રેક થઈ છે આજ લગીને દિવસ દરમિયાન થતી હોય તો ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરજો અને છૂટાપણાનો પ્રયોગ તો ગમે ત્યારે ફ્રી ટાઈમમાં કરશો તો એનો જબરજસ્ત ફર્સ્ટ ક્લાસ અનુભવ થશે અને ફાઇલને આખો દિવસ જોયા કરો જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ.